सो वेलकम स्टूडेंट, आई एम सौरभ महात्मा, फैकल्टी ऑफ जूलॉजी फॉर्म। आज हम हमारी बुक कॉर्डेट एंड इवोल्यूशंस में से इवोल्यूशंस का एक पार्ट यहाँ पर ले रहे हैं, जहाँ पर हम बात करेंगे इवोल्यूशंस ऑफ हॉर्स के बारे में। घोड़े का जो उद्विकास है ये लगभग 6 करोड़ वर्ष पुराना है, और हम ये जानते हैं जैसा कि सीनोजोइक महाकल्प जो कि हमारा वर्तमान महाकल्प है, इसी के महाकल्प के चतुर्थ कल्प के अंदर यानी फोर्थ पीरियड के अंदर हम रह रहे हैं, जिसको हम रिसेंट इपॉक के नाम से जानते हैं। इनका जो विकास था वो तृतीय कल्प के दौरान में यानी सीनोजोइक महाकल्प के थर्ड कल्प जो था उसी के दौरान विकसित हुआ। ये तीसरा कल्प लगभग 6 करोड़ 32 लाख वर्ष पुराना है, जिसके दौरान में सबसे पहला आया जो कहलाया इसके अंदर यहाँ पर पैलियोसीन, पैलियोसीन के बाद में इसमें ईओसीन, ईओसीन के बाद में ओलिगोसीन, ओलिगोसीन के बाद में यहाँ पर मियोसीन, फिर उसके बाद में नेक्स्ट वन पैलियोसीन, और फिर लास्ट में जो अगला चतुर्थ कल्प जो प्रारंभ हुआ उसके अंदर प्लास्टोसीन को हमें देखने को मिलता है, और उसके बाद आया रिसेंट इपॉक। तो इसे रिसेंट इपॉक के अंदर यानी जो वर्तमान जातियाँ आज हमें देखने को मिल रही है वो सभी रिसेंट इपॉक के दौरान विकसित हुई। ये पूरा जो कल्प था, जो तीसरा कल्प जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर सीनोजोइक कल्प का, ये लगभग 6 करोड़ वर्ष के दौरान में ही इसका सबसे ज़्यादा विकास हुआ, और इनकी विकास की जो प्रक्रिया थी वो प्रारंभ हुई ईओसीन युग के दौरान में। तो हम उनके बारे में यहाँ पर इंडिविजुअल्स डिस्कशंस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी प्रकार के इवोल्यूशंस के लिए जो रिक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे हम लेमार्क और डार्विन को भी बहुत पढ़कर आए हैं, तो उनसे भी हमें ये चीज़ मिली कि किस प्रकार से वंशागति का सिद्धांत उनको आगे की तरफ लेकर जाता है, और ये परिवर्तन धीरे धीरे जटिल प्रकार के होते रहते हैं, और इस प्रकार से एक निश्चित प्रक्रम के दौरान ये क्या करते हैं, वर्तमान प्रजातियों के रूप में यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो जिराफ का भी उदाहरण जिस तरीके हम जानते हैं उसी प्रकार से घोड़े का उद्विकास भी हुआ है। इसका जो मुख्य कारण रहा वो था उस दौरान पाए जाने वाली मुख्य वनस्पति, क्योंकि ये शाकाहारी प्रवृत्ति के थे, और शाकाहारी प्रवृत्ति होने की वजह से इनके अंदर जो इनका प्रवसन था या माइग्रेशंस की अगर बात की जाए तो वो डिपेंड करती थी केवल इनके फूड पर। तो जिस तरीके के इनके फूड हैबिटेट इनके आसपास अवेलेबल थे उसी के आधार पर ये आगे की तरफ माइग्रेशंस करते गए। जिस तरीके से इनके फूड हैबिट्स चेंज होती गई वैसे वैसे इनके अंदर बहुत सारे चेंजेस होना स्टार्ट हो गए। जैसे अगर बात की जाए तो ईओसीन के दौरान में जितने भी पादप थे वो सभी के सभी एंजियोस्पर्म्स थे, इसलिए ईओसीन के दौरान में केवल जो चेंजेस हैं वो इनकी जो बॉडी का आकार था वो कुछ इस प्रकार का था, क्योंकि इनको खाने के लिए इनको अधिक झुकने या अन्य कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, इसलिए इनकी हाइट सफिशिएंट थी। बाद में अगर देखा जाए तो वनस्पति जैसे ही ओलिगोसीन की तरफ गए तो यहाँ पर एक बीजपत्री पादपों का यहाँ पर बहुत ज़्यादा, जिनको मोनोकॉट्स बोल रहे हैं, उनका यहाँ पर डेवलपमेंट हो गया। तो इस वजह से इनकी अब जो हाइट थी वो यहाँ पर बढ़ने लगी। उसके बाद में एक बीजपत्री पादप बहुत अधिक विकसित हुए, जिसकी वजह से वो घास के मैदानों पर उनका सबसे ज़्यादा देखने को मिले। इस प्रकार से बड़े बड़े ग्रासलैंड्स का डेवलपमेंट हो गया। तो उसके बाद में हम मैरी हिप्पस जो यहाँ पर देख रहे हैं मियोसिन युग के दौरान में, उनका डेवलपमेंट हुआ। इस युग के दौरान में बहुत सारे मांसाहारी, हम ये बोल सकते हैं ये लाइक मार्सुपियल्स हो गए, या मैमल्स का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट मियोसिन के दौरान में हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर मांसाहारी प्रवृत्ति उनकी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी शाकाहारी प्रवृत्ति के जितने भी हैं वो सभी यहाँ पर उपस्थित थे। प्लियोसिन के दौरान में यहाँ पर अब काष्ठीय पादपों का निर्माण हो गया, जिनके अंदर अपन वुड्स की बात कर रहे हैं, तो उनका डेवलपमेंट होने की वजह से अब इनमें जो छोटी झाड़ियाँ या शाख जिनकी अपन बात कर रहे हैं उनके आकार बढ़ने की वजह से इनकी हाइट्स में भी उसी तरीके से डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ। और जो पैलेस्टोसिन जो हमारी रिसेंट इपॉक से पहले वाला जो टाइमिंग था उस दौरान में ये इतने सारे चेंजेस हुए, जिसकी वजह से हमें वर्तमान घोड़ा जो आज हम देख रहे हैं यहाँ पर इक्वस वो हमें वर्तमान प्रजाति उसकी देखने को मिलती है। तो हमें इनका मेजर ये समझने की कोशिश करना है। फूड हैबिटेट तो चलो अपन ने एक पॉइंट बना लिया इसके अंदर कि फूड में किस तरीके से चेंजेस हुआ, और भी इनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशंस करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इनका जो उत्पत्ति है, जो ओरिजिनिटी है, वो लगभग 6 करोड़ वर्ष पूर्व है, और इसके साथ में इनका जो मुख्य केंद्र था, ये मुख्य केंद्र जहाँ से हम ये बोलते हैं कि इनकी ओरिजिन स्टार्ट हुआ है, तो वो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था यहाँ पर उत्तरी अमेरिका से। उत्तरी अमेरिका से ही बाद में यूरोप और एशिया जैसे देशों के अंदर देखे गए प्रारंभिक जो इनके जीवाश्म मिले हैं इतने सारे,
प्लियोसिन तक के जितने भी हमें मिले हैं, ये सभी उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, पनामा, इनके इर्द गिर्द ही हमें इनके सबसे ज़्यादा जीवाश्म मिले हैं। उसी के आधार पर हम ये बताते हैं कि उत्तरी अमेरिका ही इनका मुख्य केंद्र रहा, जहाँ पर बाद में ही इनमें होने वाले चेंजेस की वजह से इन्होंने बाकी के जितने भी हम न्यू एराज या न्यू एपिक की बात कर रहे हैं, सभी दिशाओं के अंदर ये फैल गए और वर्तमान प्रजातियाँ अलग अलग कॉन्टिनेंटल्स पर हमें देखने को मिलती हैं। तो इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं हम। यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स ले रहे हैं, जितने भी प्रकार के लक्षण ले रहे हैं, वो हमारे प्लियोस्टीन से ले रहे हैं। इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक इमेजिन करना है वर्तमान आकृति के घोड़े के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर क्लियर हो जाएगी, उसी को अपन बेस बनाकर बाकी के जितने भी हैं वो यहाँ पर कंपैरिजंस करेंगे, ताकि इन चारों के बीच में जो कंपैरिजंस हैं वो आपको इसके अकॉर्डिंग समझ में आ जाए। तो फर्स्टली इनका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स था वो ये था कि तेज रफ्तार के लिए दौड़ पाना, तो शरीर का एक धारा रेखित होना जिसकी वजह से तेज गति से भागते समय इन पर कम से कम प्रतिरोध उत्पन्न हो, इस तरीके की रेजिस्टेंस पावर के साथ में इनका डेवलपमेंट हुआ, तो बॉडी उसके अनुरूप ही सुगठित हुई, जिससे देह के आकार के अंदर इतने सारे चेंजेस हुए, जिसमें वर्तमान आकृति का घोड़ा तेज रफ्तार से दौड़ सकता है और जिसमें वायु का प्रतिरोध कम से कम होता है। दूसरी चीज़ थी कि जैसे जैसे इनका डेवलपमेंट बढ़ता गया, वैसे वैसे इनका माउथ रीजन्स आगे की तरफ डेवलप हुआ, स्कल का भी डेवलपमेंट हुआ, ब्रेन का भी डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि इनके अंदर इनलार्जमेंट बढ़ता गया, तो इनके नेक रीजन्स और हेड रीजन्स इनके अंदर सबसे ज़्यादा इनलार्जमेंट देखा गया, जिसकी वजह से वर्तमान जाति का जो घोड़ा है उसके अंदर नेक और हेड रीजन्स बहुत ज़्यादा इलोंगेटेड हुए हैं, इनलार्ज हो रखे हैं। फिर उसके बाद में स्कल की अगर बात की जाए, तो जैसे इसके अंदर डेवलपमेंट हुआ तो स्कल का साइज़ भी बढ़ गया। अगर अपन इसका कंपैरिजन से इसके साथ में करते हैं, हम ये कह सकते हैं कि इनके अंदर जो स्नाउट रीजन्स हो गया, हेड रीजन्स हो गया, स्कल्स हो गया, और इनके जो टाइप था, जो टीथ का टाइप था, वो पहले ब्रैंकियोडोंट था, बाद में फिर वो हिप्सोडोंट में कन्वर्ट हुआ। इन सभी वर्ड्स पर, टर्मिनोलॉजी पर मैं आता हूँ उससे पहले, तो इनका ये जो स्कल वाला पार्ट है ये लंबाई में आगे की तरफ बढ़ गया, और बढ़ने की वजह से इसके अंदर अब जो इसके कैप्सूल्स होते हैं, जैसे ब्रेन कैप्सूल्स के अंदर इम्पॉर्टेंट अगर अपन ऑल्फैक्ट्री की बात की जाए, ऑडिटरी की बात की जाए, विजुअल की बात की जाए, तो इन सभी के कैप्सूल्स होते हैं। ये कैप्सूल्स फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यानी कि प्रोजेनेसिफेलॉन, फिर मेसेनेसिफेलॉन और रोमेनेसिफेलॉन, इनके अंदर पर्टिकुलरली यहाँ पर डिवाइडेड होते हैं। इन्हीं पार्ट्स के अंदर ये जो कैप्सूल्स होते हैं ये लगे हुए पाए जाते हैं। तो इनका आगे वाला हिस्सा बढ़ जाने की वजह से यहाँ पर इनका जो प्री ऑर्बिटल क्षेत्र है वो बढ़ गया, और ऑर्बिटल क्षेत्र में आसानी से इनके ये सभी प्रकार के कैप्सूल्स इजीली फिट हो गए। तो ये एक स्कल का डेवलपमेंट होने की वजह से इनका ब्रेन भी ऑटोमेटिक सुगठित या कॉम्पैक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इनके आई स्पेस। जैसे जैसे इनका डेवलपमेंट आगे की तरफ बढ़ता गया, तो इनके अंदर आई स्पेस जो होते हैं, आँखों की जो पूर्ण निर्माण है उसके अंदर अस्थिकरण हुआ, यानी कि उनके अंदर बोन्स का डेवलपमेंट देखने को मिला। नेक्स्ट अगली बात करते हैं अपन इनके अंदर, इनके कैनाइन। कैनाइन बेसिकली एक संरचना है जो कि यहाँ पर इनको करोटी के रूप में विकसित हुई। इनके ऊपर किस प्रकार के उभार पाए गए, ये रीज़न था इनमें पाए इनके द्वारा खाई जाने वाली वनस्पति के आधार पर। जैसे इनकी फूड हैबिटेट थी, वैसे वैसे इनके दांतों की संरचनाओं में परिवर्तन होता गया, और ये टीथ का जो डेवलपमेंट था उनके साथ साथ में ही आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला गया, जिसकी वजह से इनके बीच में, यानी एक दांत और दूसरे दांत के बीच में गैप का भी डेवलपमेंट हुआ, जिसको हम यहाँ पर डायस्टेमा कह रहे हैं। तो कैनाइन और डायस्टेमा दोनों का डेवलपमेंट देखा गया, जैसे हम अभी इसमें डिस्कशंस भी करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इनका आगे वाला हिस्सा बढ़ने की वजह से इसके अंदर किस प्रकार के चेंजेस हुए। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे आगे वाला हिस्सा बढ़ा, तो जबड़े का आकार भी साथ साथ में, जॉ का जो आकार है वो भी साथ साथ में बढ़ता गया, और इसके अंदर तीन तरीके के टीथ, जिसमें इंसीसर टीथ आगे की तरफ लगे हुए पाए गए, उसके बाद में जस्ट उनके पीछे की तरफ यहाँ पर कैनाइन देखने को मिले, और कैनाइन के बाद में इनके अंदर वुल्फ टीथ भी देखने को मिलता है, जिसकी पोजीशंस कुछ इस तरीके से रहती है। तो ये कैनाइन टीथ हो गए, इंसीसर, देन कैनाइन, और उसके पीछे की तरफ वुल्फ टीथ, और पीछे की तरफ इनके दोनों ऊपर और नीचे की आकृति के अंदर पाए जाने वाले इनके पीछे वाले प्रीमोलर एंड मोलर टीथ। तो टोटल इस तरीके से इनका जो जबड़े का आकार था उसके अंदर दांतों के आकार भी बढ़ते गए, जो स्टार्टिंग में तो ब्रैंकियोडोंट था। अगर आप इसकी आकृति को देखेंगे तो इसके अंदर जबड़े का आकार छोटा है, तो दांतों का आकार भी उसके अंदर छोटा पाया जा रहा है, और इनके अंदर जो दांतों की संख्या है वो लगभग 44 है।
बाद में जैसे जैसे इनका आकार बढ़ता गया वैसे वैसे इनका आगे वाले रीजन्स भी बढ़ता गया, जिसकी वजह से ये इतने बड़े हिस्से के अंदर इसका डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। और इस डेवलपमेंट के दौरान में इनके अंदर जो मुख्य रूप से परिवर्तन हुए वो था प्री मॉलर का हासित होना, रेड्यूस्ड होना, और मॉलर टीथ का यहाँ पर डेवलपमेंट होना, और दांतों के आकार की लंबाई बढ़ना, और दांतों के बीच में दंत अवकाश जिसे हम डायस्टेमा बोल रहे हैं उसका विकास होना। तो ये सारे चेंजेस भी इसके अंदर ड्यूरिंग एवोल्यूशन ही इसमें देखने को मिले। नेक्स्ट पॉइंट अपन डिस्कशंस करते हैं, फर्स्ट मोलर रेड्यूस्ड। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इनके अंदर पाया जाने वाली जो पीछे की तरफ इसके अंदर मोलर्स पाए जाते हैं, हम इसके बारे में डिस्कशंस करेंगे। जिस तरीके से ये पहले प्री मॉलर्स एंड प्री मॉलर्स के बाद में यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इनके अंदर मॉलर्स टीथ का डेवलपमेंट हुआ, तो इनके अंदर ये धीरे धीरे रेड्यूस्ड होते गए क्योंकि इनका काम कम हो गया, क्योंकि मॉलर्स अपने आकार के अंदर बढ़ने लग गए और बढ़ने की वजह से ये यहाँ पर धीरे धीरे रेड्यूस्ड होते गए। तो इस तरीके से इनका यहाँ पर फर्स्ट जो प्री मॉलर्स थे वो आगे की तरफ रेड्यूस्ड हो गए। फिर अगला जो नेक्स्ट बनता है इसके अंदर इनके फुट्स, यानी इनका फोर लिम्स और हैंड लिम्स, इनके अंदर भी यहाँ पर मेजरली चेंजेस हमें देखने को मिले, जो आपके सामने यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर रखे हैं कि किस तरीके से इसके अंदर नॉर्मली हम जानते हैं कि कार्पल्स और मेटाकार्पल्स और टार्सल्स और मेटाटार्सल्स, ये कंडीशंस हम जानते हैं। तो आपको नॉर्मली ये चीज़ मालूम होगी हमारी पेक्टोरल पेल्विक गर्डल पर जुड़ी हुई सारी चीज़ें। तो पेक्टोरल गर्डल, फिर उसके बाद में हम ह्यूमरस, ह्यूमरस के बाद में यहाँ पर हो गया आपके कौन सा रेडियो अल्ना, एंड रेडियो अल्ना के बाद में कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स, इसके ऊपर लगी हुई फैलेंजेस एंड डिजिट्स, ये जो इनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशंस कर चुके हैं। उसी प्रकार से हमारी पेल्विक गर्डल से नीचे की तरफ जुड़ा हुआ फीमर, उसके बाद में टीबिया फिबुला, टीबिया फिबुला के आगे की तरफ टार्सल्स एंड मेटाटार्सल्स। तो हमारा जो मेन टॉपिक है घोड़े के उद्विकास के दौरान वो हम लेंगे कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, टार्सल्स एंड मेटाटार्सल्स, क्योंकि यही चेंजेस इसके अंदर सबसे ज्यादा हुए, जिसकी वजह से इनके अंदर स्क्रैपर्स, हुफ, या हम बोल सकते हैं इनके अंदर खुर का निर्माण हुआ।